हारमोनियम पर कुछ भी सुनकर खुद से कैसे बजाएं, कोई भी गीत को खुद से कैसे निकालें। आइए साथियों, आज मैं ये सारी बातें आप लोग के बीच में क्लियर करने वाला हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप लोग के लिए। साथियों, आज सारा प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कॉमेंट है कि सर कोई भी सॉन्ग को खुद से कैसे निकालते हैं, यह फार्मूला बताइए। तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ साथ फार्मूला लेकर के आया हूँ कि आप लोग आसानी से कोई भी सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं, मनचाहा गीत हारमोनियम पर बजा सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहला काम आप स्टार्ट कर दीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम जो देख रहे हैं, मोबाइल की सेटिंग जो मैं करके रखा हूँ, ये नोटेशन वगैरह, नोटेशन यहाँ से आता है, देख लीजिए, इस पर टच करना है और ये देखिए, ये हो गया। बहुत ही मस्त है यार, हारमोनियम सीखने के लिए मोबाइल से घर बैठे इससे आसान तरीका और नहीं है। देखिए क्या करना है साथियों, कोई भी सॉन्ग को निकालने के लिए 8 काले बटन को अपने मोबाइल स्क्रीन पे रखना है। देखिए जिस तरह से मैं रखा हूँ, ये 2 काले, इस तरह से सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पूरा सरगम के साथ साथ 2 बटन इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि कोई भी सॉन्ग की रेंज अगर ज़्यादा हाई है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा बटन चाहिए दूसरे ऑक्टिव में जाने के लिए। तो आइए फिलहाल मैं सिंपल से तरीका बताऊंगा जो कि आप इसे यूज करके कोई भी सॉन्ग को निकाल सकते हैं। इतना सारे बटन को रखने के बाद आपको करना क्या है, एक उंगली यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर यहाँ से स्वर की रेंज आगे है तो हम ऊपर है तो ये साइड जाएंगे, और नीचे है तो ये साइड आएंगे। और कोई भी सॉन्ग को सुनकर कैसे बजाएं, तो आप जो सॉन्ग बजाना चाहते हैं वह सॉन्ग लीजिए कि आज हमें ये सॉन्ग बजाना है। तो एग्जांपल तौर पर मैं धड़कन फिल्म का तुम दिल की धड़कन में रहते हो यह सॉन्ग मैं आप लोग के बीच में ढूंढ करके दिखाऊंगा कि कैसे कोई सॉन्ग को सुन करके ढूंढ कर बजा सकते हैं खुद से। देखिए सॉन्ग का जो पहली लाइन है वह इस तरह है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो इतना सारा गुनगुनाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक एक स्टेप को अलग करना है। जैसे कि तुम दिल की, इतना पहले ढूंढना है। ढूंढने के लिए कोई भी सॉन्ग को आप ढूंढने के लिए चालू करते हैं तो सा से ढूंढिए, स्वर में स्वर मिलाइए, तुम दिल की, धीरे धीरे तुम दिल की, पहले इतना यानी 3 स्वर का यूज होगा। देखिए तुम दिल की, और एक बात जान लीजिए कि अगर आपको शुरुआती से कोई सॉन्ग स्टार्ट कर रहे हैं गाने के लिए और गाते हुए गाने में जोर लग रहा है, स्वर का रेंज ऊपर जा रहा है, तो हम ये साइड जाएंगे, और स्वर का रेंज नीचे है तो हम ये साइड से ये साइड आएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यह सॉन्ग का जो स्वर है का रेंज है बहुत थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो हम ये साइड जाएंगे। देखिए कैसे सभी बटन को ट्राई करते हुए जाएंगे, 3rd बिलावल से यह बजा रहा हूँ, तुम नहीं तुम पहले शुद्ध स्वर में ढूंढेंगे, फिर कोमल या तीव्र का यूज करेंगे, तुम जी यहाँ पे मिला है। देखिए तुम दिल नहीं, तुम दिल नहीं, तुम दिल नहीं, तुम दिल जी यहाँ पे देखिए मिल रहा है। इस तरीके से आप भी कोई सॉन्ग को ढूंढ सकते हैं आसानी से, तुम दिल की अलग हो जा रहा है, तुम दिल की डिफरेंट है, आगे चलते जा रहा हूँ। और हाँ साथियों, पीछे वाले जो 2 बटन मिला है, जो मिलता जाएगा वो बटन को छोड़ना नहीं है, उसे ले करके चलना है। देखिए तुम दिल की, यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट स्वर यहाँ पे मिल चुका है, तो हम बजाएंगे तुम दिल की। अब क्या है, धड़कन में तो गाने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि स्वर का जो रेंज है थोड़ा सा डाउन लग रहा है, यानी मीडियम में लग रहा है। तो हम देखेंगे आगे के बटन, फिर भी ट्राई करके शायद ऊपर रहे तो इधर मिल जाएगा, और नीचे रहेगा तो हम ये साइड आएंगे, तुम दिल की अलग हो गया, यानी ऊपर नहीं जाएगा, अब ये साइड आना है की धड़ जी धड़े धड़े
धड़कन में। तो देख पा रहे हैं आप किस तरह से बहुत ही आसान तरीका से मैं ढूंढ रहा हूँ और मिल भी रहा है। इसी तरीके से आपको ज़्यादा हारमोनियम में बहुत सारे बटन होते हैं, सिर्फ आपको इतने बटन को रखना है और इसके अंदर ही ढूंढना है। दुनिया का कोई भी गाना इतना बटन से बजता है साथियों। आइए, तुम दिल की, ये पहले मिल चुका था। दूसरा में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, तुम दिल की धड़कन में। उसके बाद आप ढूंढना है, रहते हो तुम दिल की धड़कन में। अब यहां से ढूंढना है, जहां ढूंढते ढूंढते जहां लास्ट होता है फिर वहीं से ढूंढना है। रहते हो फिर रहते हो, इससे थोड़ा अलग है स्वर। क्लियर? अब जो जो ढूंढना हो जितना स्टेप मिला है वह एक साथ बजाएंगे। पहला था तुम दिल की, दूसरा धड़कन में, तीसरा रहते हो, चौथा रहते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप भी कोई सॉन्ग को आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह इतना आसान तरीका है कि आपको कुछ भी नहीं आता हारमोनियम के बारे में, फिर भी आप यह तरीकों को यूज करके आप आसानी से बजा सकते हैं। देखिए, आपके घरों में या कहीं ना कहीं देखेंगे बैंड वाले भाई लोग अच्छे से अच्छे धुन को इतना अच्छे तरीके से बजाते, झुमा देते हैं। तो साथियों, हारमोनियम सीखना इतना भी कठिन नहीं है कि हार मान लें। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इरादा पक्का हो तो मंजिल आसान होती है। तो यही बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ साथियों। यह तरीका अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। आइए एक बार मैं पूरा सॉन्ग को बजा दूँ। यह सॉन्ग का पूरा ट्यूटोरियल मैंने पहले ही बना रखा है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप भी मेरे तरह हारमोनियम बजाइए कोई भी सॉन्ग को, और घर बैठे हारमोनियम सीखिए मोबाइल ऐप के जरिए। इस ऐप का जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।